हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान नीट आईसीजी पीजी काउंसलिंग बोर्ड 2024 के संबंध में, यानी कि नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। जो आयुष विभाग में अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट जो नीट 2024 के स्टूडेंट है, वो अपना काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। अब अपन यहाँ इस वीडियो में काउंसलिंग का प्रोसेस समझेंगे कि आपको काउंसलिंग किस तरह करवानी है और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम दोस्तों आपको आयुष नीट राजस्थान की साइट ओपन कर देनी है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा राज यू जी पी जी आयुष काउंसलिंग डॉट इन की साइट। इस पर जाएंगे तो ये होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, तो अपने को इस पे क्लिक करना होगा। ये न्यूज पेज पे लेकर जाता है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अपना शेड्यूल मिल गया है कि आपका जो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है यूजी का, वो किस तरह रहने वाला है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड है, वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा और एनआरई तीनों कोटे के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग करवाना चाहता है वो उसमें जरूर भाग लें। आपके काउंसलिंग की लास्ट डेट है जो 8 सितंबर रखी गई है, तो आपको 3 सितंबर से 8 सितंबर के मध्य अपना फॉर्म है जो काउंसलिंग का है वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, जो कि पीएसए डिफेंस सर्विस के पैरामेडिक के एनआरआई स्टूडेंट है उनके लिए 10 सितंबर को, उसके बाद में अदर के लिए 12 सितंबर को है, और आपके फर्स्ट राउंड की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 13 सितंबर को जारी हो जाएगी टोटली। उसके बाद में आपको कॉलेज फील का ऑप्शन है और फॉर्म आपका फीस का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा, सब 10 से लेकर करके 16 सितंबर के मध्य आपको फीस डिडक्ट करवानी होगी। आपकी फीस काउंसलिंग की 25,000 रुपये रहने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे बताया कि आप देख सकते हैं। और फर्स्ट राउंड की कॉलेज है जिनका सिलेक्शन होता है उनको यहाँ पे एलोटेड हो जाएगी 18 सितंबर की, और आप 19 सितंबर से अपना अलॉटमेंट लेटर है जो निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवानी है 20 सितंबर, उसके बाद में आपको मेरिट वाइज आपकी इस तरह काउंसलिंग है, जिसकी मेरिट संख्या 1 से लेकर 300 तक है, और 301 से 800 तक है, और 800 से ऊपर वाले हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग डेट दी गई है। और आपका जो काउंसलिंग स्थल रहने वाला है, जो चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर है, वहीं आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पत्र व्यवहार के लिए वहीं जाना है, जो कि वर्तमान में वो ऑफिशियल जो चुका है, जिसका नाम अब नया आ गया है, आयुष भवन रूम नंबर 217 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में आपका ये स्थल दिया गया है, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। अब जैसा कि अपन काउंसलिंग करा रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक करना होगा। इसके संबंध में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ से बुकलेट भी आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो एप्लीकेंट लॉग इन पर जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखना है, उसके बाद में डिक्लेरेशन पे टिक करना है। आपको काउंसलिंग करवाने से पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको, और आपको काउंसलिंग किस तरह करवानी है, फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म का फिलिंग का प्रोसेस है, उसके बाद में आपको सीट है, फीस है, किस तरह अमाउंट होगी, कहाँ पर कितनी सीट है, वो सारी डिटेल है एक बार चेक कर देनी है। जैसे यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट पर टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो आपको सर्वप्रथम न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट में आपको सेलेक्ट एग्जाम सेलेक्ट करना है यूजी का, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है कि आप 2024 के स्टूडेंट हैं या विदाउट 2024 से हैं, तो अपने को नीट 2024, उसके बाद में यहाँ पर अपना नीट का रोल नंबर और नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपको ईमेल एड्रेस दर्ज करना है, और फिर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको सूचनाएं भेजी जाएगी, तो अपना वही एक्टिव मोड पे मेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, वही यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद में अपने को पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है, कैप्चा दर्ज करके रजिस्टर करना होगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में अपने को सर्वप्रथम काउंसलिंग करवाने से पहले जो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है नोटिफिकेशन, उसको एक बार रीड आउट कर देना है कि आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाती है, हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं आपको, और इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पर आपको सूचना मिल जाती है। अब आपका जो कोर्स है वो कितने साल का रहने वाला है, किस तरह आपका कोर्स चलेगा, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे मिल जाता है, इसको एक बार जरूर देखना है। सर्वप्रथम आपको रजिस्ट्रेशन फीस है जो 2,000 रुपये रहने वाली है, और अदर रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 1,500 रुपये रहने वाली है। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनके 2,000 फीस रहेगी, और ये फीस है वो किसी भी तरह रिफंडेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एलिजिबल क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया कितना, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आपका यहाँ पे साइंस बायो इंग्लिश में 50% होना ज़रूरी है, और अन्य सब्जेक्ट में आपके 40% होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका नीट के परसेंटेज है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना जरूरी है, ये एक बार देख लें। आपके जो भी एप्लीकेबल होता है उसको एक बार यहाँ पे ध्यान रखना है।
यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया पे दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज कितना परसेंटेज आपका रहने वाला है। नीट 2024 में आपका परसेंटेज है तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया है आपका 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक, यानी कि जिस स्टूडेंट का जन्म 31 दिसंबर 2007 है या उसके बाद पहले का है तो वो एप्लीकेबल है, उसके बाद का एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके स्टेट कोटा और आपका जो सेंट्रल कोटा है और आपका NRI कोटा है वो भी डिवाइडेशन कर दिया गया, उसको भी परसेंटेज वाइज अलग कर दिया गया है। फिर अगर आपका प्रोविजन में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको अपना फीस डिडक्ट करवाना होता है जो कि 25,000 रुपये देने वाला है। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आपके लिए डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्म कंप्लीट अपने पास में होना चाहिए, नीट का फॉर्म है, उसके बाद में आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सारी अपने पास में रखना है, जैसे नीट 2024 का स्कोर कार्ड है, उसका एडमिट कार्ड है, उसका फॉर्म वो भी रखना है। और आपका अगर अलॉटमेंट लेटर आएगा अगर काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में आपका 10+2 का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में DOB के लिए आपके 10वीं का मार्कशीट भी चल जाता है वो चाहिए, उसके बाद में आपकी 10वीं की मार्कशीट है और उसके अलावा आपके आपके 12th की या उसके अलावा भी कोई मार्कशीट है तो वो अभी आपको दर्ज करनी है। उसके बाद में आपने जो फॉर्म फिल किया था वो भी चाहिएगा। और आपके जो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड योर एलिजिबल एज सेलेक्टेड बाई यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस समय आपने जो भी फिल किया था, और सीरियल नंबर 3 अंडर एलिजिबल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक से लगा करके आप यहाँ पे 11th तक के देख सकते हैं। उसके बाद में आपका ID प्रूफ होना चाहिए इनमें से कोई भी एक, उसके बाद वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है अगर सब कैटेगरी है तो वो भी आपको दर्ज करना है, आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट जैसे मूल निवास है, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी आपके होने चाहिए, अगर कोई PS स्टूडेंट है तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखना जरूरी है, उसके अलावा जो डिफेंस सर्विस का पैरामेडिकल का कोई पर्सन आता है तो उसको भी अपने डॉक्यूमेंट रखना है, EWS वाला भी सर्टिफिकेट आपको बनाना है। फिर आपका अंडरटेकिंग का परफॉर्मा 6 नंबर है और 50 रुपये का स्टाम्प पे ये तैयार करवाना अंडरटेकिंग, इसके अलावा आपके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको तैयार रखना है। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि NRI स्टूडेंट होता है तो उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे परफॉर्म में भी दिए हुए हैं, आप डिफेंस पर्सन है तो वो इस परफॉर्म में को तैयार करना है जो कि एलिजिबल सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कोई यहाँ पे पैरामेडिकल पर्सन है तो उसको परफॉर्म नंबर 2 है वो तैयार करना होगा, और परफॉर्म नंबर 3 है NRI स्टूडेंट है उसके लिए अंडरटेकिंग का है तो वो भी आपको तैयार करना है। उसके अलावा यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया का कोई भी पर्सन है NRI उसको यहाँ पे ये भी फिल करना होगा। उसके बाद में फॉर्म नंबर 5 है वो आपका अंडरटेकिंग फॉर पेरेंट्स का है, फॉर फैमिली रिलेशनशिप के संबंध में है तो वो भी आपको फिल करना है, ये सारों को फिल करना होगा। उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है, अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसको ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर डिफेंस पैरामेडिकल पर्सन के लिए है वो भी आपको तैयार करना है, राजस्थान के संबंध में है, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग रहने वाली है और आपको हेल्पलाइन की जरूरत रहती है तो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आप हेल्पलाइन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आयुष नीट संबंधी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे नवीनतम अपडेट है तो आपको मिलती रहेगी।